नमस्कार। इस वीडियो में हम सीखेंगे स्टेयर केस वायरिंग के बारे में। इसका सर्किट डायग्राम देखेंगे, पर उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि स्टेयर केस वायरिंग आखिर होती क्या है। स्टेयर केस मतलब सीढ़ियों वाली, जैसे चढ़ते हैं ऐसे करके सीढ़ी, एक छत से दूसरी छत पे जाते हैं, मतलब ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर पर जाते हैं, तो सीढ़ी का इस्तेमाल करते हैं, उस में जो वायरिंग करते हैं उसका वायरिंग है ये। दरअसल स्टेयर केस वायरिंग में होता क्या है कि बीच में एक बल्ब होता है और उस बल्ब को हम दो जगह से कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब अगर आप प्रैक्टिकल टर्म में देखें तो जैसे हम सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं तो स्टार्टिंग में एक पॉइंट होगा, वहाँ पे ऑन या ऑफ ऑन कर लें, उसके बाद ऊपर जाएंगे, फिर ऊपर हम ऑफ़ कर लें, फिर ऊपर जो भी काम होगा वो निपटाएँ, उसके बाद वापस नीचे आएँ ऑन करके फिर नीचे से ऑफ़ कर दें। तो ये सिर्फ एक ही जगह पर इस्तेमाल होती है, वो है सीढ़ियों पर। और ये थोड़ा सा नॉर्मल जो सर्किट होते हैं उससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो इस वजह से इसको सीखना बड़ा ज़रूरी है। तो स्टेयर केस वायरिंग के लिए हमको तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले बल्ब की ज़रूरत पड़ती है। ये बल्ब हो गया, बल्ब का सिंबल है इलेक्ट्रिकल टर्म में ये ऐसा क्रॉस और सर्कल, ये बल्ब की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा, हमको टू वे स्विच चाहिए होते हैं, दो बल्ब एक चाहिए होता है, टू वे स्विच दो चाहिए होते हैं, एक फेज़ वायर चाहिए होता है, एक न्यूट्रल वायर चाहिए। बस ये चार चीज़ें चाहिए और इससे हमारा वायरिंग तैयार हो जाएगा। तो अब वायरिंग के लिए क्या करेंगे, सर्किट ये देखते हैं। तो सर्किट में क्या, हमने एक फेज़ और न्यूट्रल रख दिया और दो टू वे स्विच रख दिए। टू वे स्विच कुछ इस तरह से होते हैं जिसमें तीन पॉइंट होते हैं और एक पॉइंट दूसरे से जुड़ा होता है एक पॉइंट से, जिससे कि हम इधर कर सकते हैं, उसके बाद ऑफ़ करेंगे तो इधर आ जाएगा, इधर 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 भी ऐसे होता है। तो अब इसका कनेक्शन करते हैं। बल्ब हमारा ये गया, टू वे स्विच दो ये गए, फेज़ और न्यूट्रल ये गया। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये दो स्विच हैं इसको कनेक्शन देना है। तो इसको कनेक्शन देने के लिए सिंपली क्या करना है, हमें ये दो वायर हैं इसको ऐसे करके ज्वाइन करना है। ज्वाइन कर दिए। अब हमको देना है बल्ब को पावर देनी है। बल्ब को कैसे देंगे, पहले फेज़ देते हैं। फेज़ के लिए यहाँ से हम पॉइंट लेंगे और ऐसे करके यहाँ टच कर देंगे, उसके बाद फिर यहाँ से ऐसे करके हमने बल्ब को फेज़ दे दिया। पर बल्ब जब तक नहीं जलेगा जब तक कि उसको न्यूट्रल नहीं देते, तो न्यूट्रल हम यहाँ से ही दे देंगे ऐसे करके। ये भैया हो गई हमारी पूरी स्टेयर केस वायरिंग। ये सिंपल सा है। अगर इसको सामने से देखेंगे, ये तो हमने अंदर का सर्किट डायग्राम बता दिया, पर अगर इसको हम सामने से देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। ये देखो सीढ़ी, हम समझ लेते हैं, ये दो स्विच लगे हुए हैं, एक फेज़ ये गया, न्यूट्रल ये गया और ये बल्ब है। तो क्या है, जैसे हमने ये बताया कि ये दो वायर ऐसे अटैच्ड हैं, फेज़ इधर ही दिया जाता है, आगे से ये ऐसे करके पॉइंट होते हैं दो स्विच में, ऐसा दिखता है। उसके बाद ये कि ये फेज़ गया, एक न्यूट्रल गया। ये सिंपल सा स्टेयर केस वायरिंग है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें थोड़ा सा कहीं डाउट हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। आप उसमें पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा इसको और सिंप्लीफाई करने की। वैसे जहाँ तक कि मैंने काफ़ी सिंप्लीफाई किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।